यह है यूपी का बरेली जिला जेल, जहां बंद है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद। अतीक को 1 जनवरी को ही देवरिया से यहां शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसका खौफ इतना है कि जेल प्रशासन डरा हुआ है। आलम यह है कि जिला जेल सुपरिटेंडेंट ने डीएम एसएसपी को चिट्ठी लिखकर अतीक अहमद को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। जेल सुपरिटेंडेंट उदय प्रताप मिश्रा का कहना है कि अतीक अहमद के यहाँ आने से जेल महकमे को सुरक्षा के अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। जेल ग्रामीण इलाके में है, जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। देखिए, लेटर ये ऑफिशियल प्रोसेस है और हम किसी के बारे में भी समझते हैं कि हमारे जेल की जो एक रूटीन व्यवस्था है उससे डिफरेंट हमको कुछ करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा, तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि ये रूरल एरिया में है हमारा जेल, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे, और मैंने वही लिखा है। बरेली जिला जेल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिस वजह से गुरुवार को पुलिस प्रशासन के आला अफसरों ने 4 थानों के पुलिस बल के साथ जिला जेल में छापेमारी की। खास तौर से बैरक नंबर 98 की गहन जांच की गई। दरअसल बैरक नंबर 98 में ही बाहुबली अतीक अहमद को रखा गया है। अतीक के एक एक सामान की बारीकी से जांच हुई, उसके कपड़े, अटैची, बिस्तर को भी चेक किया गया। हालांकि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। जेल का औचक निरीक्षण किया था, बैरक नंबर 98 को देखा गया स्पेशली, और उसमें जो एक कैदी हैं अतीक अहमद, उनको भी देखा गया, और जो भी सामान था उनका, और एक एक सामान, अटैची, सारी चीजें खुलवा के सबको देखा गया। बैरक चेक की, 98 बैरक भी चेक की, जिसमें अतीक अहमद ये भी शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर चेकिंग, तलाशी की गई, कोई इस तरह की अवांछनीय चीज नहीं मिली। पुलिस को आशंका है कि अतीक अहमद के बरेली जिला जेल में शिफ्ट होने के बाद अतीत के गुर्गे किराए पर बरेली में मकान लेकर रह सकते हैं, इसलिए जिले में नए किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने का फैसला भी लिया गया है। इसके लिए पुलिस को खास निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया गया है। अतीक से जेल में मिलने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। बरेली के एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया कि इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई फर्जी तरीके से खुद को गिरफ्तार न करवा ले, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, इस तरह के इनपुट हमें मिलते रहते हैं, तो उस संबंध में हम लोगों ने लोकल पुलिस को, हर थाने को अलर्ट कर दिया है कि कहीं कोई अचानक से किराएदारों की संख्या बढ़ रही हो, कुछ लोगों ने जो अचानक से किराए पे मकान लिए हों उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई फर्जी तरीके से अपने आप को अरेस्ट न करा ले, ताकि कहीं किसी तरह से मदद पहुंचाया जाए अनवांटेड तरीके से जेल में। अतीक अहमद को नए साल के पहले ही दिन देवरिया जेल से बरेली जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। अतीक जिस दिन बरेली जेल पहुंचा, उसी दिन अपनी दबंगई दिखाते हुए जेल कर्मियों को धमका दिया था। देवरिया जेल में तो उसने अपना रंग दिखाया ही था, जहां उसने लखनऊ के एक बिल्डर की पिटाई कर दी थी। बिल्डर का आरोप था कि उसे देवरिया जेल बुलाया गया और जबरन कुछ कंपनियों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। आपको बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ 44 मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुका अतीक पहली बार 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से यूपी विधानसभा में पहुंचा था। 1991 और 1993 में वो निर्दलीय विधायक बना। 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। 1999 में अतीक ने अपना दल का दामन थाम लिया था, लेकिन प्रतापगढ़ से चुनाव हार गया। वही साल 2002 में वो अपना दल के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल रहा था। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से फूलपुर का सांसद बना। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद 2007 में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अतीक की दबंगई जारी है। जेल में बंद होने के बावजूद आम जनता ही नहीं, प्रशासन में भी उसका खौफ बना हुआ है। बरेली से सुबोध मिश्रा के साथ जी मीडिया रिपोर्ट।